नमस्कार, न्यूज़मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं फैशन की दुनिया में इंदौर के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर आसिफ शाह। आपका स्वागत है आसिफ। इंदौर में रहते हुए आपने दुबई में, कोलंबो में, दिल्ली में, मुंबई में तमाम जगह शो किए हैं, कैसे खत्म हुआ? देखिए, एक डिजाइनर को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है ट्रैवलिंग। और इनिशियली जब हम काम करते हैं और एक डिजाइनर्स का सर्किट होता है, जब वो सर्किट में एंटर हो जाते हैं तो वो मेरिट्स पे हमारे कलेक्शन के एक्सपोजर से, फोटोग्राफ से, वो एसोसिएशन और जो भी फैशन वीक्स होते हैं दुनिया के, उसमें वो सिलेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड से डिजाइनर्स। इंडिया है तो फिर इंडिया से डिजाइनर सिलेक्ट करेंगे, तो उस मेरिट्स पे हमारे क्रिएशन से हमारी बात होती है और वो क्रिएशन को लेके हमारा नाम आगे प्रमोट होता है। तो मुझे लगता है कि और जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब चीज़ें मिलकर हमें लगता है कि हमने ये काम किया है और इन जो भी फैशन वीक से इस पर एसोसिएशन हुआ है। आजकल बहुत फैशन वीक के बहुत होने लगे, पहले एक शो होता था, अब तीन फैशन वीक होते हैं, बॉम्बे में एक, दिल्ली में, बड़े बड़े फैशन फेस्टिवल, पहले एक ही होता था। लेकिन पेरिस वगैरह में तो साल भर चलते रहते, कई कई शो होते, तो लगता नहीं भारत में कम है माहौल? देखिए, फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनर्स और फैशनेबल कपड़े पहनना इंडिया का कल्चर नहीं है। हमारे लोगों को यहाँ पर अभी भी फैशन वीक्स और फैशन शोज इज मोर ऑफ अ एंटरटेनमेंट शो, वी डोंट कंसीडर इट एज अ सीरियस फैशन। वहाँ पर जब हम पेरिस, लंदन की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, मिलान की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो कलेक्शन होता है वो डिजाइनर्स स्प्रिंग समर, समर विंटर ऑटम, तो ये सबका अलग अलग कलेक्शन सीजन शुरू होने के पहले तो लुक बुक बना के वो कलेक्शन शोकेस करते हैं और उनके क्लाइंट्स को बुलाते हैं, फिर वो उनके ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली दे डिजाइन। अच्छा, तो वहां पर इसलिए होते हैं और यहाँ इज अ एंटरटेनमेंट के इट्स अ गेट टुगेदर, इज अ मोर ऑफ अ पीआर पार्टी, तो वो एक ही बार होता है, अखबारों में कवरेज होता है, इस वजह से यहाँ पर फैशन वीक ज्यादा नहीं होते। एक अच्छी बात है कि भारतीय फैशन डिजाइनर बाहर जाकर जा रहे हैं, जैसे मनीष अरोरा और अनामिका लंदन में जा रहे हैं, आशीष सोनी रीना ढाका मियामी फैशन शो में जाते हैं, तरु टेलियानी मिलान में फैशन शो कर रहे हैं और बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है दुबई में और कोलंबो में? देखिए, इंडियन डिजाइनर्स जो हैं उनका जो गारमेंट्स होता है वो बहुत वेरिएबल होता है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि संभव पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो नेचुरल है कि जब इंडियन डिजाइनर्स की पेइंग, इंडियन लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है तो डिजाइनर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, तो उनका जो कलेक्शन है वो कलेक्शन डिमांड में आने लगा है और वेरिएबल क्लोथ बनाते हैं, हाथ का काम होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक कपड़े होते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स यूज करते हैं, तो उसकी डिमांड इस वजह से ज्यादा बढ़ती जा रही है और सभी डिजाइनर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल सही बात कही। तभी आप देखिए जाजू अरमानी जोधपुरी कोट बना रहा है और पगड़ी बना रहे हैं, रॉबर्टो कावली भारतीय पोशाक में आ गए, तो इससे लगता है कि हमारा बाजार बढ़ रहा है और बाकी डिजाइनर भी भारत को बाजार समझ गए। पहले जब हम डिजाइनिंग जब शुरू की थी तो जब हम रेफरेंसेस लेते थे, कवाली की मैगजीन ढूंढते थे स्टूडेंट्स से, तो प्रोजेक्ट बनाते थे, अब वो लोग हमारे गारमेंट्स के और हमारे डिजाइनर्स के कलेक्शन का रेफरेंस लेते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क आया है। जी, आजादी के बाद इतना बड़ा फर्क पहले कभी नहीं आया था। हम तो 19वीं सदी से वही कपड़े पहनते थे, हम तो अपने हाथ से कपड़ा बुनते थे, अपने हाथ से कपड़े सिलते थे और हर व्यक्ति की जरूरत के कपड़े उसके लिहाज से बनाए जाते थे, फैशन नाम की चीज नहीं थी। लेकिन बनारस में और ढाका में जो मलबल बनता था, साड़ी बनती थी, वो सैकड़ों साल से परंपरा चली आ रही है, लेकिन उसके ग्राहक लिमिटेड थे। एक विचित्र बात यह कि बनारस में जो साड़ी बनाई जाती थी वो खास व्यक्ति को निगाह में रख के बनाई जाती थी कि फलाने फलानी महारानी के लिए साड़ी बन रही है, और वो साड़ी केवल महारानी के पास होती थी, दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होती थी। अब फैशन की दुनिया ने जो बदलाव दिए उसमें परिवर्तन आया है। आप जो कपड़े बनाते हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ बिकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? देखिए, हम एक डिजाइनर जो भी होता है उसका एक अपना एक डिजाइनर सेगमेंट होता है। जी। मेरे क्लाइंट्स लंदन, एले, दुबई, कोलंबो,
ईस्ट अफ्रीका, इधर काफी सारे क्लाइंट्स हैं, और मैंने अपने कपड़े हमेशा एक ज्वेलरी की तरह डिजाइन करने की सोची है कि क्यों ना मेरे कपड़ा प्रॉपर्टी बने और उसको लोग प्रिजर्व करें, ऐसा ना करें कि एक बार पहन के और फेंक दिया, जब भी वार्डरोब में उसको इम्पोर्टेंट जगह जाना है तो मेरा जो डिजाइनिंग सेंस है वो ये बोलता है कि मेरा कपड़ा सबसे पहले उसको निकालना चाहिए और उसको इतना महंगा हो और इतना प्रिसाइजली बना हो कि ज्वेलरी की तरह रखे हो, महंगा हो। कपड़े का महंगा होना जरूरी है क्या? कपड़े का महंगा से ये नहीं है कि हम महंगा देंगे तो ही उसको अवेयरनेस आएगी या तो ही उसकी डिमांड होगी, उसमें एलिमेंट्स इस तरह के डले होते हैं कि वो महंगा हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी केयर है उस हिसाब से। ऐसे बहुत सारे विदेशी ब्रांड भारत में आ रहे हैं आजकल, मोशिनो आ रहा है, शेनाल आ रहा, गियान आ रहा, फेंको केरे, रुसादी, टॉमी हिल फिगर, मैंगो, कितने सारे ब्रांड, एग्ना, फेंडी, कोयले, कितने ब्रांड आ रहे हैं भारत में, क्या उन्हें लगता है भारत में बाजार है उनके लिए? देखिए, भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। उसका रीज़न ये है कि जब डे टू डे हमारा जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, हम इंडियन कपड़े नहीं पहनते हैं, और एनी डे ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनके जो कपड़े हैं वो इंडियन डिजाइनर्स जो डिज़ाइन करते हैं उससे काफ़ी सस्ता होता है और इट्स वेरी अफोर्डेबल। मतलब विदेशी डिजाइनर जो कपड़े भारत के लोगों के लिए बनाते हैं वो सस्ते होते हैं, भारतीय डिजाइनर जो कपड़े भारतीयों के लिए बनाते हैं वो महंगे होते हैं। आज आप मेरी एक शेरवानी मुझसे डिजाइन कराएंगे, इंडियन कपड़े डिजाइन कराएंगे, तो उसकी कॉस्ट और उसका एक कैजुअल जैकेट का कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क आता है। क्यों ऐसा क्यों है? हमारा पूरा जो डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं इंडियन गारमेंट्स, हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री मैरिज की होती है, और जो भी डिजाइनर अपना कलेक्शन डिजाइन करते हैं वो उस इंडस्ट्री को देख के डिजाइन करते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट, हाथ के कारीगर, बहुत सारी चीजें मैन्युअल इन्वॉल्व होती है, इनका पूरा जो डिजाइनिंग के बाद का जो नेक्स्ट प्रोडक्शन होता है वो पूरा हाईटेक होता है, मशीन बेस्ड होता है, तो इसलिए कॉस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। शिफाली वासुदेव ने किताब लिखी है एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फैशन, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि हमारे यहाँ जो बात आपने किसी की पुष्टि की कि भारत में सबसे बड़ा फैशन शो शादी है और सबसे ज्यादा खर्च हम शादी के वक्त करते हैं, बेटी की शादी है महंगे से महंगा परिधान खरीदेंगे, बहन की शादी है अपनी दुल्हन के लिए महंगे से महंगा परिधान हम खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद हम कंजूसी पे उतर आते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ फैशन को बढ़ाने वाली चीज रही बॉलीवुड, हीरोइन ने कोई ड्रेस पहना, लेकिन बॉलीवुड में भी इतने आरोप लगते हैं, बंटी और बबली में जो ड्रेस पहना था रानी मुखर्जी ने, उस पर आरोप लगा कि ये ड्रेस चुराया गया था, एक डिजाइनर ने आरोप लगाया कि चुराया हुआ है, तो ऐसा कैसे होता? देखिए, हम जब एक ट्रेंड की बात करते हैं, ये बात पहले मैं शादी वाली जो फैशन शो की इवेंट है वो सबसे पहले कंप्लीट करूंगा। हाँ, शादी एक सबसे बड़ा इवेंट है और हर डिजाइनर उसका पूरा कलेक्शन इंडियन मैरिजेस को देख के डिजाइन करता है, क्योंकि वहां पर उसको अलग अलग ओकेजन्स के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग थीम देनी होती है और उसी लाइन पर काम करता है। जब उसी एक इंडियन डिजाइनर जिस लाइन पे काम करता है वो रेफरेंसेस लेता है अपने। मान लीजिए मैंने भोपाल से काम किया तो मैं अनारकली पे काम करूंगा, आई वाज द फर्स्ट डिजाइनर जिसने अनारकली बनाए थे इंडिया में, आई वाज फर्स्ट डिजाइनर। एक मैं एक आम आदमी हूँ, अनारकली क्या है मुझे बताइए? अनारकली लेडीज सूट्स होते हैं जो कि भोपाल की जो भी बेगम होती थी, और भोपाल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है अभी भी वो अनारकली और चूड़ीदार पजामा और घाघरा और शरारा वो लोग पहनते थे, वो एक हमारे मध्य प्रदेश का ही कल्चर है। बहुत ज्यादा कढ़ाई होती है, लंबा होता है, घेर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट कट्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइलिंग होती है उसमें, उसमें हेयर स्टाइल अलग होती है, उसमें एक्सेसरीज काफी सारी यूज होती है। तो वो जब हम बनाएंगे, हम डिजाइन करेंगे और वो रेफरेंस जब दूसरा डिजाइनर लेगा, तीसरा डिजाइनर लेगा, तो कहीं ना कहीं उस थीम में वो चीज दिखती है कि ये वहां से इंस्पिरेशन है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक डिजाइनर ने वही कलर सेंस हो, वही डिजाइन सेंस हो तो बन जाता है, कोई किसी की डिजाइनर डिजाइन चुराता नहीं है। हाँ। और उसके रेफरेंस हो सकता है एक दूसरे से रेजेंबल करे, क्योंकि थीम सेम थीम पे काम करेंगे। मुझे लगता है एक आम आदमी के सुमित वर्मा ने आरोप लगा था कि बंटी बबली की ड्रेस उसने चुराई, फिर शांतनु ने कहा कि शांतनु पर आरोप लगा कि उसने किसी की ड्रेस चुराई, तो ये तो इतना ओरिजिनल आइडिया हर व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है कि अगर आदमी को शर्ट पहनी तो दोनों बाहें उसकी
एक कलर सेम हो सकता है, लेपल सेम हो सकता है, कॉलर चेंज हो सकता है, बट डिजाइन कोई डिजाइनर कभी किसी की कॉपी नहीं करता है जी, क्योंकि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है और सबको अपना कलेक्शन शोकेस करना है, तो ऐसा बहुत कम होता है। आजकल भारतीय लोगों की सेल्स बहुत बढ़ रहा है, उनकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है, वे खुद बड़े बड़े ब्रांड बन रहे, सुष्मिता को देखो, काजोल, श्रीदेवी, करिश्मा ये ज्वेलरी के ब्रांड लेके आए, शाहरुख खान ब्यूटी सोप के मॉडलिंग कर रहे हैं, ऋतिक रोशन जान प्लेयर की कर रहे हैं, शबाना आजमी, बिपाशा बसु, पूजा बेदी, कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी ये कैटवॉक कर रही है, तो माहौल पूरा बदला लग रहा है आपको। एक और चीज है कि अमीषा पटेल और उर्मिला मातोंडकर को पेरिस में लुई विटॉन के स्टोर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है, ये सबसे लगता है कि भारतीय फैशन जगत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। देखिए हमारे यहाँ जो पेजेंट्स हुए थे सुष्मिता सेन और अश्वति राय को, जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनाया गया, वहीं से हमारे इंडिया में मल्टीनेशनल्स की एंट्री हुई थी, वहीं से 1994 की बात है जब सुष्मिता सेन बनी थी जी। वो इंडियन इंडस्ट्री में उनको एंट्री करना थी और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है हर चीज के लिए। हाँ आरोप भी लगाते हैं लोग कि देखिए इन्हें इसलिए बनाया गया कि भारतीय मार्केट में घुसना। अभी चीन की एक सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी है, तो लोग कहते हैं कि चीन को मार्केट बनाना है, इसलिए होता है कि जब तक वो देश के लोग उनकी आइडेंटिटी नहीं होगी या वो प्रोडक्ट उससे को रिलेट नहीं करेंगे जब तक उसकी पहचान नहीं बनेगी। हमारे यहाँ ब्यूटी पेजेंट्स और एक्टर एक्ट्रेसेस को भगवान माना जाता है आज भी, तो उनका उनसे जब तक को रिलेट नहीं करेंगे जब तक दे नॉट क्लिक, तो इस वजह से उनका प्रोडक्ट भी चलता है और हमारे इंडियन मॉडल्स एक्टर एक्ट्रेसेस की डिमांड भी बाहर आती है। आप तो खुद ही मॉडल हैं, आपने खुद भी मॉडलिंग की है, जाने माने मॉडल हैं, आपका फिजिक भी माशाल्लाह काफी अच्छा है, आप काफी वर्जिश भी करते हैं, तो मॉडलिंग छोड़ के आपने ये अपनाया या डिजाइनिंग अपनाया, डिजाइन दोनों साथ साथ करते हैं? मेरा दोनों साथ साथ था, बट समहाउ जब मैं मॉडलिंग करता था तो मुझे लगा कि I am now on the edges to complete my designing, or as a designer, I think I'll be on a driver's seat. तो मैंने सोचा कि मेरा ये profession मुझे continue करना चाहिए, और modeling is a big gamble and acting is a big gamble in life. मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो अभी भी film industry में, fashion industry में they are struggling. और मैं एक बार में 50 models को अपने हिसाब से चलाता हूँ। तो क्यों ना हम डिजाइनिंग पूरी दुनिया में बॉलीवुड की बात करें, वहाँ एक एक ड्रेस के लिए 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए वसूले जाते हैं, क्या इतनी वैल्यू होती है उसकी? हाँ वैल्यू होती है, प्लस एक डिजाइनर का अपना ब्रांड होता है और एक डिजाइनर का अपना एक उसकी ब्रांड वैल्यू होती है कि उस ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही वो पैसे ले सकता है। हाँ, डिजाइन अगर वो महंगा कपड़ा नहीं लेगा, नहीं सेल करेगा, तो वो बड़ा डिजाइनर कैसे कहलाएगा? He'll be a street designer. And एक डिजाइन करने में, एक पीस डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है, एक डिजाइनर को बहुत सेंस और बहुत सारे एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। खाली हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, अगर हम एक फैशन शो में मेरा कलेक्शन शोकेस करता हूँ तो शायद उसमें मुझे 3-4-5 महीना लगते हैं कपड़े बनाना। 2 घंटे में शो 45 मिनट्स में हमारा शो फिनिश हो जाता है। अच्छा, तो और फिर उसके बाद हमको सबसे सर्टिफिकेट मिलते हैं कि डिजाइन अच्छा नहीं था, कलर सेंस अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तो कभी कभी बहुत पेन भी होता है ये सब चीजों को देखकर, क्योंकि जिस व्यक्ति को कपड़े की डिजाइन की समझ नहीं, वो भी आके बोलता है कि ये तो बर्बाद है, बेकार है। वो बड़ा पेनफुल टाइम होता है एक डिजाइनर के लिए, कोई भी डिजाइनर के लिए। अब कब शो हो रहा है आपका इंदौर में? हमारा जो विंटर कलेक्शन तो शोकेस करते नहीं है, हम यहाँ पर फेस्टिव कलेक्शन शोकेस करते हैं। अच्छा, दीपावली के पहले करते हैं। यस, दीपावली के पहले सितंबर के आसपास कभी भी वी आर प्लानिंग माय कलेक्शन और Hopefully we'll showcase very good collection this time. Very wearable. क्या भारत में विंटर कलेक्शन चलते हैं? क्योंकि मैंने तो ये देखा कि मैं और मेरे कई दोस्त सर्दी आती है तो सारे पुराने कपड़ा निकाल लेते, कहते ऊपर तो कोट पहन लेके दिखेगा नहीं। सी, इंडिया में मैंने अभी सबसे पहले शुरुआत इससे की थी कि इंडिया में इस चीज का कल्चर नहीं है, क्योंकि ये दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ऑटम अलग है, विंटर्स अलग है, स्प्रिंग अलग है, तो समर्स अलग है। यहाँ पर लोग
अभी प्रॉस्पेरिटी अभी आई है, तो समहाउ लोग अभी उस बैरियर को क्रॉस करके ऊपर आ रहे हैं, तो उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेज पे ये चीज दिखेगी। तो अब सेंस आ रहा है हमारे इंदौर में जिस तरह से साड़ियां डिजाइन की जाने लगी हैं आजकल, तो हमारे एक दोस्त मजाक में कहते हैं कि साड़ियां जिस तरह छोटी होती जा रही है, तो हो सकता है जल्दी कोई दुशासन कलेक्शन आ जाए कि चीर हरण वाली स्थिति आ जाए द्रौपदी के, कि दुशासन साफ ब्रांड आ जाए। जब तक डिजाइनर लोग सब आदत डाल देंगे कि ऐसे देखने की आदत पड़ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा उस चीज की प्रॉब्लम। तमाम फैशन डिजाइनर अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। रितु बेरी ने अपना ज्वेलरी डिजाइन करना शुरू किया है, जे वलाया फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हैं, रवि बजाज लाख कैफे खोल दिया, रोहित बल ने भी एक कैफे खोल दिया, कैफे तो कैफे, उन्होंने अपना स्वराज होटल डिस्कोथेक डेसिबल भी खोल दिया, मतलब फैशन डिजाइनर डिस्कोथेक खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ज्वेलरी डिजाइन में अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, तो आप कहीं और जा रहे हैं? देखिए आप भी पता चले कि आसिफ रेस्टोरेंट आसिफ का कोई डिस्को नहीं, एक डिजाइनर बहुत क्रिएटिव होता है जी। और एक उसका एक डिजाइनिंग सेंस होता है, जब वो इतना क्रिएटिव होता है तो वो सोचता है कि एक डिजाइनर ही एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो मल्टी टैलेंटेड होता है। आज प्रकाश जी से हम बोलेंगे कि रेस्टोरेंट डिजाइन करो, तो ही इज नॉट क्रिएटिव, वो बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा शो कंडक्ट करेंगे। हम लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, तो हमको ऐसा लगता है क्यों ना रेस्टोरेंट डिजाइन करें, रेस्टोरेंट डिजाइन करें, चलो लेट्स गिव अ फूड का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह की चीजें हम डिजाइनर्स की स्विच ओवर करते रहते हैं, डिजाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। यस, ये सेंस इज अ सेंस बेसिकली, डिजाइनर ऐसा नहीं है फैशन डिजाइनर ही होगा, इट्स अ सेंस, हर चीज को उसकी देखने की निगाह अलग होती है डिजाइनर की। इंदौर में अगर आप बात करें तो क्या भविष्य देखते हैं आप अपना और अपनी इंडस्ट्री? मुझे समझ लगता है कि मुंबई है, दिल्ली है जी, ये एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुके हैं डिजाइनर्स के लिए जी। अब जितनी भी अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, इंदौर, नागपुर, हैदराबाद, इस तरह की जो भी सिटीज हैं, साउथ की काफी सारी सिटीज हैं, यहाँ पर इंदौर सहित सब जगह पर डिजाइनर्स के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। इट्स अ ग्रोइंग मार्केट जी, वेन एवर इज अ ग्रोइंग मार्केट इज अपकमिंग मार्केट, उस ट्रैक को चलाने को और उस ट्रैक पे जो भी फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में बहुत सारे डिजाइनर्स आएंगे, और मुझे लगता है डिजाइनर सेंस लोगों में डेवलप हो गया और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी स्पेशली इंदौर। आपके जो डिजाइनर डिजाइन किए हुए कपड़े हैं, पोशाक हैं, उनको कौन उनके खरीदार है? आमतौर पर बड़े बड़े नेता हैं, मैंने सुना बड़े अधिकारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, इंदौर के वे फिल्मी कलाकार हैं जो मुंबई में रहते हैं, और भी कोई? देखिए, एक डिजाइनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ हाई एंड प्रोडक्ट, एंड उसके लिए हमें नीश मार्केट चाहिए होता है जी। तो अब उस सेगमेंट में जो भी टॉप के लोग आते हैं, वही सब लोग हमारे क्लाइंट होते हैं, वही सब मेरे क्लाइंट्स हैं। क्या आप समझते हैं हमारे नेताओं का ड्रेस सेंस बदल रहा है? आजकल सारे नेता लिनन पहनने लगे, बड़ा कलफ लगा लिनन, गाली टोपी गायब हो गई है, कोई नेता हमारे ज्यादा फैशन? मुझे लगता है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात सबसे ज्यादा का ड्रेसिंग ड्रेस को लेकर कॉन्शियस है, तो वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं। इफ यू टॉक अबाउट यशवंत सिन्हा, टॉक अबाउट कमलनाथ, हमारे प्रेसिडेंट जो बने, वो ये सब और भी, मतलब किसी भी लेवल पे, स्टेट लेवल पे पॉलिटिशियंस आर हाईली कॉन्शियस और बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ फिटिंग्स एंड दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ हाउ टू कैरी द क्लोथ्स। इसी कार्यक्रम में हमारे पास कुछ नेता आए थे, सज्जन सिंह वर्मा आए थे, हमने उनसे भी पूछा कि आप इतने अच्छे कपड़े पहनते, उन्होंने कहा कि मेरी तो 300 रुपए की शर्ट है भाई, हमें तो ऐसा कहते हैं। आई डोंट नो कि आते हैं जाते सिलवाते हैं डिजाइनर से, सभी डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं जी, और ये पब्लिक फिगर होते हैं, इनको इनके कपड़े से ही इनकी पर्सनैलिटी दिखती है, तो ये बहुत कॉन्शियस होते हैं। भी नेता और नेता के अलावा किसी का नंबर है तो खिलाड़ी बहुत अच्छे ड्रेस पहनने वाले, लेकिन एक यूनिफॉर्म जैसी बनाई गई है खिलाड़ियों के लिए जो बनाई जाती है, उससे उतना ध्यान नहीं दिया जाता क्या हमारे? देखिए, यूनिफॉर्म्स के अपने अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एक कंट्री के अपने बायलॉज होते हैं जी, और उसी के अकॉर्डिंगली उनको वही लोग स्पेसिफिकेशन देके डिजाइनर से बनवाते हैं। उसमें कोई डिजाइनर अपना सेंस नहीं दे पाया है अभी तक। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस वालों की जो ड्रेस है भारत में,
वो कंफर्टेबल नहीं है और आधुनिक नहीं दिखाती, वो दिखाती है 200 साल पुरानी पुलिस को। तो क्या पुलिस की ड्रेस में बदलाव होना चाहिए? मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे पुलिस की ड्रेस डिजाइन करना चाहिए एक बार जी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। कपड़े से देख के स्मार्टनेस आना चाहिए। मैंने आउट ऑफ इंडिया देखा, स्कॉटलैंड यार्ड जी, जो भी FBI और ये सब की जो ड्रेसेस देखी है बहुत देख के इम्प्रेस करती है और हाईली ग्लैमरस लगती है। तो वो मेरा एक मुझे ऐसा लगता है कि एक आधी बार मुझे इन लोगों की ड्रेस दे। क्योंकि हमारे हम जेंटलमैन पुलिस ऑफिसर और लेडी पुलिस ऑफिसर, उनकी पोशाक लगभग एक जैसी क्यों है? सी ये उसका एक रीजन है कि इट्स उनको ऑफिस जॉब नहीं होता है, उनको फील्ड में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो इस तरह के कपड़े कैरी करने में बहुत इजी होते हैं और उनका मूवमेंट इजी होता है। मुझे लगता है ये कपड़े ज्यादा कंफर्ट को देख के डिजाइन किए गए हैं। आर्मी में भी बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन वहां पर आर्मी के जवान को देखकर हमें ये नहीं लगता कि ये कोई पुराने फैशन का व्यक्ति है। ऐसा पुलिस के साथ क्यों होता? वही पुलिस की एक वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इसमें डिजाइनिंग पार्ट है, जो ट्रेनिंग है, जो कट्स है, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये लोग बिलीव के आर्मी में एक एक इंचेस का 1 mm का स्पेसिफिकेशन होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही सारे कपड़े डिजाइन होते हैं और बनते हैं। और यही हाल देखिए हम तुम्हारे स्कूलों में, इंदौर के स्कूलों की बात करते हैं तो कुछ स्कूलों के ही यूनिफॉर्म बहुत अच्छे हैं, उनके कपड़ों की पसंद, कपड़ों की रंग की पसंद, क्योंकि छोटे बच्चे जो खेलते हैं दिन भर, कपड़े उनके बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहेंगे आशा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म चुने जाते हैं स्कूल के बच्चों के लिए जो उन पर फपते भी नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं। देखिए हमारे स्कूल ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े आकर्षक कपड़े हो, जाने वाले बच्चे के कपड़े रंग बिरंगे हो। उसके बहुत बेसिक रीजन है हमारे यहाँ स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत बेसिक होना और डिजाइनर नहीं होना कुछ स्कूल्स के अलावा। इनिशियली जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे यहाँ वो क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में था जी, और क्रिश्चियन मिशनरीज का ये था कि हमारे यहाँ टॉप का शहर का बच्चा भी पढ़ेगा और सबसे गरीब बच्चा भी पढ़ेगा। तो ये ड्रेस इस तरह डिजाइन करते थे कि सबके लिए बहुत ज्यादा बहुत इजीली अफोर्डेबल हो। तो इस वजह से वो इन्फ्लुएंस सब स्कूल पर आया है और वो पार्ट जो है हमारे यहाँ एक बहुत ब्लैंक रह गया है। एक बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में आसिफ जी कि कई देश है दुनिया के, पाकिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, मुस्लिम देश कई हैं जहां महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी है, लेकिन जब महिलाएं बुर्का उतारती हैं तो फैशन उनका किसी से कम नहीं होता। जब ऊपर से बुर्का ही पहनना है तो फिर फैशन क्यों किया जाता है? देखिए फैशन तो अपने लिए किया जाता है, फैशन का रिलेशन किसी को दिखाने से नहीं, खुद के लिए होता है। फैशन इज व्हाट यू फील एंड व्हाट यू हैव योर फीलिंग्स, वही आप करते हैं जी। फैशन कभी दिखाने को नहीं किया जाता है। लोग कहते हैं कि खाओ अपने मन का, दिखाओ कपड़े दूसरे के मन के होने चाहिए। नहीं, वो मुझे लगता है मुहावरा गलत है। फैशन व्हाट यू फील, आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप पहनेंगे। आप कोई डिजाइनर कितने सजेस्ट करेगा कि आपको स्लिम फिट ट्राउजर पहनना है, स्ट्रेचेबल और फिटिंग एप्पल कट शर्ट पहनना, यू नॉट प्रेफर दैट। यूनिफॉर्म या जो भी आप पहनते हैं उसका उम्र से कोई ताल्लुक है? लोग कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम के बुढ़ा कैसे कपड़े पहन लिया ऐसा। यस, हम जब कपड़े डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम एज सेगमेंट को देख के डिजाइन करते हैं। हम कभी भी ये नहीं करते हैं कि एक टीनेजर है उसका अलग डिजाइन होगा, बिटवीन 25 to 38 सेगमेंट है उसका अलग डिजाइन होगा। वी हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल, वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑल्सो, और डिजाइनर सभी डिजाइनर इस थीम पे काम करते हैं जी। एक फैशन डिजाइनर के रूप में आप कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? देखिए मेरे साथ जब हम हमारी डिजाइनिंग की शुरुआत करते हैं तो फिनिशिंग तक हमारे साथ करीब एट ए टाइम 150 to 200 मेरे एसोसिएट्स होते हैं अलग अलग। अभी आपने एसोसिएशन में बना लिया कोई? हमने एक इंदौर में एक डिजाइनर्स की एसोसिएशन प्लान की है और वो एसोसिएशन का काम भी कंप्लीट हो गया है। नाउ विल स्टार्ट प्रमोटिंग द न्यू डिजाइनर्स, ये एक अच्छा सवाल है आपका। अभी हमने इसका प्रोसेस पूरा किया है ताकि डिजाइनर्स आगे आए, और क्यों नहीं हम ये डिजाइनर्स को लेके ही या ये डिजाइनर्स के साथ यहाँ पर फैशन वीक करें और इनका कलेक्शन शोकेस करें और इनको आगे लाएं। ये सब जो भी शहर के एस्टैब्लिश डिजाइनर्स है, पुराने डिजाइनर्स है, इनकी मॉरल ड्यूटी होती है कि ये किया जाए। आसिफ एक बात और बताइए, आपका डिजाइन स्टूडियो है, आप इतने देशों में यात्राएं करते रहते हैं, आप PR में काफी समय लगाते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में बहुत समय लगाते हैं, खुद ही अपने अपने
कंपनी का तमाम कारोबार देखते हैं, उसके अकाउंट्स देखते हैं, नए डिजाइन देखते हैं, तो इतने सारे काम कैसे कर पाते हैं? देखिए, ये एक कोई भी डिजाइनर जब लोन होता है तो वो उसकी इनिशियल स्टेज पे कभी नहीं होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एक डिजाइनर को लोन होना, वो डिजाइनर को काम सीखना और एक सेगमेंट को क्या देना, क्या सर्व करना, उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जब प्रोसेस से चलता है तो टीम बनती जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि फैशन डिजाइनर वही बनेगा जो मल्टी टैलेंटेड होगा। आपकी इतनी टीम है, इतना काम है, कारोबार है कि इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया आपके? अब वो हालांकि सब बढ़िया घटी। देखिए, इज्जत तो हमें, एक डिजाइनर का सबसे कमजोर पार्ट होता है उसका फाइनेंसिस और ग्लैमर बहुत होता है, तो शायद वो ग्लैमर को देख के इंप्रेस होकर शायद हमारे पास आ गए होंगे। आपके पास अगर चॉइस हो कि आप अपना अगला कदम क्या उठाएं, उद्यम क्या उठाएं, तो आप क्या डिजाइन करना चाहेंगे? ज्वेलरी डिजाइन करेंगे, डिस्को थेक डिजाइन करेंगे, होटल करेंगे, पब करेंगे, टाउनशिप प्लान करेंगे, क्या प्लान करना चाहेंगे? मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ मेरा काफी इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि इंदौर में दिल्ली की तरह डिजाइनर्स को काम करना चाहिए और मेरा इंटरेस्ट है कि शायद उसमें कुछ किया जाए। लेकिन आपने अपने स्टूडियो का, जो आपका आसिफ स्टूडियो, उसका डिजाइन खुद ने किया इंटीरियर? नहीं, हमने खुद ने नहीं किया है, हमारे एक फ्रेंड थे डिजाइनर, उनके साथ ही किया है हमने डिजाइन। सेंस चूंकि आई डोंट नो द स्पेसिफिकेशंस। सर, नए लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें क्या आप सलाह देंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? फॉर यंगस्टर्स मैं ये कहना चाहूंगा कि यंग डिजाइनर्स को काम करना चाहिए, खूब ट्रैवल करना चाहिए और खूब और खूब और खूब ट्रैवल करना चाहिए, सारे बड़े डिजाइनर्स का कलेक्शन देखना चाहिए बारीकी से, और कभी भी बजट को लेके डिजाइनिंग नहीं करना चाहिए। उनको फैब्रिक्स ढूंढना चाहिए, अच्छे क्वालिटी वर्क करना चाहिए। डिजाइनर का काम इंडिविजुअल्स के लिए होता है और दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन देयर स्टिचिंग, द क्वालिटी ऑफ वर्क और रिसर्च। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आप सक्सेसफुल डिजाइनर बहुत आराम से बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही, कमोबेश हर फील्ड में यही बात है। अगर आप एक राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप उद्यमी हैं, अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अंदर तक घुसकर उसकी तह तक जाकर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।